उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस में पार्टी के भीतर फिर खींचतान दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की कमान मिलने के बाद जांच की मांग हो रही है। कई नेताओं ने कहा गुटबाजी के चलते हार हुई है, जांच की जानी चाहिए पूरे मामले की। और तीन बड़े पदों पर कुमाऊं मंडल से ही मिली जिम्मेदारी पर कई बड़े नेता नाराज हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता रहा है कि पार्टियां गढ़वाल और कुमाऊं का विशेष ख्याल रखती हैं, क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन इस बार तीनों ही जो बड़े पद उनमें जो जगह दी गई है वो तीनों कांग्रेस जो कुमाऊं से आते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादती है गढ़वाल के साथ में भी। और इन नामों को लेकर जो पहले से मंथन चल रहा था उसमें कई नाम तैर रहे थे, उनको परे रख करके जो चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं उसके बाद से भी कई तरह के सुर सुनाई दे रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर से। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दे, गढ़वाल से कुमाऊं तक खाक हो रही है वन संपदा, क्योंकि लगातार जंगलों में आग फैल रही है और अब तक कोई ठोस कदम इस पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, गढ़वाल से कुमाऊं तक खाक हो रही है वन संपदा। वनाग्नि के बीच छुट्टी पर गए प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल। वनाग्नि की घटनाओं के दौरान अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द है, लेकिन देखिए किस तरीके से लापरवाही हो रही है। प्रमुख वन संरक्षक खुद छुट्टी पर चले गए जबकि छुट्टियां रद्द की गई हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की भर्ती में धांधली और धोखाधड़ी की खबर है। धांधली और धोखाधड़ी की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है, बड़ी जानकारी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भर्ती के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप लगाया और अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि जालसाजों के चक्कर में ना आए। ये बड़ी जानकारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में केवल भर्ती दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय की ओर से ही कराई जाती है। ये अथॉरिटी की तरफ से बातें कही गई हैं और इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है, इसलिए जो जालसाज एक्टिव हैं उनके चक्कर में आप ना आए। धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये लोगों से अपील की है। तो बड़ी खबर आपके सामने है। और चलिए इस बीच आपको उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर दे दें, एमएलसी चुनाव कुछ ही देर में शुरू होगी मतगणना। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है, 27 सीटों के लिए काउंटिंग होगी। 36 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है और आज 27 सीटों पर काउंटिंग 8 बजे से शुरू होने वाली है। आपको बताएं कि सुबह 8 बजे से 27 सीटों पर काउंटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए ये मुकाबला बहुत कड़ा है, जीत हासिल करने की हर जोर आजमाइश लगाई गई है, नतीजे आज सामने आने वाले हैं।